सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गैमलेट फिल्म के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको तो याद ही होगा कि फॉक्स ने अनाउंस की थी गैम्बिट की सोलो मूवी। जी हाँ, एक्स मैन ओरिजिन वुल्वरिन के बाद फॉक्स ने अनाउंस की थी कि वो गैम्बिट पे एक सोलो मूवी बनाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक्स मैन ओरिजिन वुल्वरिन आई थी 2009 में। तो उसके बाद फॉक्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो फॉक्स ने इस कैरेक्टर को लेकर मूवी नहीं बनाई, और आखिर में वो मूवी गई कहाँ? तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि एक्स मैन ओरिजिन वुल्वरिन जब थिएटर में रिलीज होने वाली थी तो उसके पूरे एक महीने पहले ये फिल्म लीक हो गई थी इंटरनेट पर, जिससे फॉक्स को काफी लॉस हुआ था। यहाँ तक कि ये मूवी फेमस तो हुई थी, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी कम हुआ था क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ने इस फिल्म को घर पर बैठे ही देख लिया था। और इस मूवी में हमें गैम्बिट का रोल करते हुए नजर आए थे टेलर किट्स। वेल, वो गैम्बिट के रोल में इतने खास नहीं थे। तो अब क्या हमें आगे गैम्बिट की सोलो मूवी देखने मिलेगी या नहीं? तो उसका जवाब है जी हाँ, हमें आगे चल के फॉक्स के अंदर गैम्बिट की एक सोलो मूवी देखने जरूर मिलेगी। तो आपको याद होगा कि फॉक्स ने अपनी पूरी 6 मूवीज का अनाउंस किया है, जिनमें से 3 मूवी के टाइटल कंफर्म है और बाकी 3 के टाइटल कंफर्म नहीं है। तो उन 3 मूवीज के टाइटल पर ध्यान देते हैं। एक है न्यू म्यूटेंट्स, सिंपल बात है कि इस मूवी में पूरे नए म्यूटेंट्स आने वाले हैं। और दूसरी है एक्स मैन द डार्क पियोनिक्स। वेल, ये मूवी बेस है जेन पर, क्योंकि इस पार्ट में जेन विलन होगी। और तीसरी आप सबको पता ही है, और वो है डेडपूल 2। और बाकी की 3 मूवीज के बारे में किसे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से उन 3 मूवीज में से एक है गैम्बिट और दूसरी है फैंटास्टिक 4। बाकी 2 का कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं एक अंदाज लगाता हूँ उनमें से एक होगी डेडपूल 3 और आखिरी एक्समैन की सीरीज की एक और मूवी होगी जो 70s के टाइम पर ही बेस होगी, यानी कि वो मूवी होगी एक्समैन डार्क फियोनिक्स के बाद वाली। और क्या आपको ये पता है कि गैम्बिट के रोल में कौन से एक्टर को कास्ट किया गया है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो एक्टर है चैनिंग टैटम। वेल, ये काफी अच्छे एक्टर है, इन्हें हमने देखा था G.I. जोस की सीरीज में। और क्या आपको ये पता है कि ये आगे चल के अब्राहम वैन हेल्सिंग का रोल करने वाले हैं? अगर नहीं पता तो ये है अगले वैन हेल्सिंग द डार्क वर्ल्ड के, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। तो वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, अगर मुझे उसके बारे में पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।